हेलो बच्चों, आज हम द्वंद्व समास के बारे में बताएंगे। हमने सारे समास के बारे में पिछली वीडियो में बता दिया है। आज द्वंद्व समास और संपूर्ण समास का अभ्यास के बारे में आज अध्ययन करेंगे, जिससे स्पष्ट हो जाएगा कौन कौन से समास कहाँ कहाँ कौन से उदाहरण में हैं। तो देखो, द्वंद्व समास, इस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। देखो, अव्ययभाव में पहला, तत्पुरुष में दूसरा, द्वंद्व में दोनों और बहुव्रीहि में कोई भी प्रधान नहीं होता। तो इसमें देखो, द्वंद्व में दोनों प्रधान होते हैं, प्रथम पुरुष भी और उत्तर प्रथम पद भी और उत्तर पद भी, तथा विग्रह करने पर चय लगाकर अलग कर दिए जाते हैं, जैसे माता पितरौ। इसका समस्त पद ये है और विग्रह होगा माताश्चय पिताश्चय। द्वंद्व समास तीन प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? इतरेतर द्वंद्व समास, समाहार और एक शेष है। कौन कौन से? इतरेतर द्वंद्व समास, समाहारा और एक शेष। जैसे कि हम ये इसको डिफाइन करेंगे, इतरेतर द्वंद्व समास को, इस समास में दोनों पद समान होते हैं, विग्रह करते समय चय लगा दिया जाता है, जैसे राम लक्ष्मणौ। इसका विग्रह बनेगा रामश्चय लक्ष्मणश्चय। देखो, अब दोबारा से फिर देखो बच्चों, इस समास में दोनों पद समान रूप से होते हैं, विग्रह करते समय चय लगा दिया जाता है, जैसे राम लक्ष्मणौ, रामश्चय लक्ष्मणश्चय। समाहारा, द्वंद्व समास में क्या होता है कि इसमें प्रत्येक पद की प्रधानता नहीं होती, अपितु सामूहिक अर्थ प्रकट होता है इसमें, तथा यह समास नपुंसक लिंग में होता है। ये बात ध्यान रखना बच्चों कि जो है यह समास किस में होता है? नपुंसक लिंग में। कि जैसे देखो, जैसे पाणी पादम, पाणी च पादौ च तेषां समाहारा, अर्थात क्या है कि पाणी च पादौ, यानी कि इसमें जो है समाहारा, यानी कि दो पैर हैं, हाथ हैं, इनका समाहारा जो है, समाहारा मतलब सामूहिक तौर पर यह बता दिया गया है कि यह है द्वंद्व समास, समाहारा है। हस्तमुखम, हस्तौ च मुखम तेषां समाहारा, हाथों का और मुख का इनका सामूहिक समाहारा आ जाता है, तथा एक शेष द्वंद्व समास। जहाँ द्वंद्व समास में एक शेष रहे, वह एक शेष द्वंद्व समास होता है, जैसे पितरौ, पितरौ के अंतर्गत बच्चों माता भी आ गई है और पिता भी आ गया है, तो इसका विग्रह बनेगा माताश्चय पिताश्चय। भ्रातरौ, भ्राताश्चय भागिनी च, इस भ्रातौ में भागिनी भी आ गई है और भ्राता भी आ गया है। ये था हमारा द्वंद्व समास। अब हम एक अभ्यास के तौर पर देख लेते हैं कौन कौन के समास में स्पष्ट रूप से आपको पहचान मिल जाएगी। जैसे अव्ययभाव समास है, अव्ययभाव समास में प्रथम पद अव्यय होता है। जैसे आपको अव्यय दिखे, आपको पता चल जाएगा कि अव्ययभाव समास है। जैसे उपग्रामम, इसमें उप अव्यय है। निर्जनम, इसमें निर जो है अव्यय है। अनुरथम, अनु अव्यय है। प्रतिग्रहम, प्रति अव्यय है। इनका विग्रह बनेगा ग्रामस्य समीपे जनानाम अभाव है। अनुरथ का बनेगा रथस्य पश्चात है। प्रतिग्रहम, ग्रहम, ग्रहम, प्रति, अर्थात जिसमें जिसमें जो अव्यय आए, तो वह अव्यय समास, अव्ययभाव समास कहते हैं। तत्पुरुष की पहचान कैसे होगी बच्चों? देखो, तत्पुरुष समास में दूसरे पद की मुख्य भूमिका होती है, यानी कि मुख्य रूप से दूसरा पद आता है। जैसे पुस्तक दासा, पुस्तका नाम दासा, दास किसका है? पुस्तकों का। परोपकार है, परेशाम उपकार है, दूसरों पर उपकार। नयनम युगलम, नयनो युगलम, ग्रह उद्दाने, ग्रह से उद्दाने, यह तत्पुरुष समास के जो है उदाहरण है। कर्मधारय की पहचान कैसे होती है बच्चों? देखो,
एक पद विशेषण, दूसरा पद विशेष्य होता है। कर्मधारय में क्या होता है, एक पद तो विशेषण होगा, दूसरा पद होगा विशेष्य। जैसे महापुरुष है, महान च असौ पुरुष है, यानी कि पुरुष है लेकिन वो उसकी महानता क्या है, विशेषण हो गया। पीतांबर, पीतम च तत् अम्बरम, जैसे पीला कपड़ा, अम्बर भी है, अम्बर का मतलब कपड़ा, और तत् पीतम अर्थात वो पीला कपड़ा है, उसकी जो विशेषता क्या है, वो पीला है। दूसरा है मुख कमलम, मुख ईव कमल ईव मुखम, अर्थात मुख है वो कैसा है, कमल के समान, अर्थात क्या हुआ इसमें, कमल के समान मुख हो गया विशेष्य इसमें। और कमल ईव का मतलब होता है विशेष, इसका ये मतलब हो गया कि ये विशेषण है। मीन नयनम, मीन ईव नयनम, नयन है वो किसके समान है, मीन के समान, अर्थात यहाँ पर क्या हो गया, एक विशेष विशेष्य हो गया और दूसरा हो गया विशेषण। द्विगु समास, द्विगु समास की पहचान क्या होती है बच्चों, देखो संख्यावाची शब्द होता है, यानी कि जैसे द्विगु समास की पहचान हम क्या करेंगे, संख्यावाची शब्द में, जैसे पंचवटी, सप्तपदम, अष्टाध्यायी, सप्तऋषि। अच्छा, दूसरी इसका पहचान होता है समाहारा आता है इसमें, पंचवटी का पंचानाम वटानाम समाहारा, सप्तपदम का सप्तानाम पदानाम समाहारा, अष्टाध्यायी का अष्टानाम अध्यायनाम समाहारा, और सप्तऋषि का सप्तानाम ऋषियानाम समाहारा। ये अलग अलग करके जो है इनकी पहचान बन जाती है। एक अब आगे है हमारा बहुवीर्य समास। देखो बहुवीर्य समास की पहचान क्या होती है, अन्य पद, अन्य पद का मतलब होता है कोई तीसरा आदमी, यानी कि प्रधान कौन हो, कोई अन्य हो, ना पहला पद प्रधान ना दूसरा पद प्रधान, बल्कि क्या है, अन्य पद। जैसे नीलकंठम, नीलकंठ है, नील है कंठ है यश से, अर्थात जिसका कंठ नीला हो, कौन है वो अन्य पद, शिव। दस आननानी यश से, जिसके आनन यानी कि जिसके मुख जो है दस हो, तो तीस इसमें अन्य पद क्या हुआ, रावण। पीतंबर, पीतम अम्रम यश से, कौन तीसरा पद हुआ, कृष्णम, जिसके पीले हैं कपड़े। यहाँ पर मैं एक बात और बताना चाहूँगी, ये पीतंबर जो है कर्मधारय समास का भी उदाहरण है, ये बहुवीर्य समास का भी उदाहरण है, लेकिन जो है इसके विग्रह पर डिपेंड करता है। जब पीतम अम्रम आएगा तो कर्मधारय समास होगा, और पीतम अम्रम यश से आ जाएगा तो वह तीसरा पद प्रदान हो जाएगा और ये बहुवीर्य समास हो जाएगा। धन्यवाद।